अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कीमतें 100 रुपए के ऊपर ही चल रही हैं, इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से, कब तक इस सिचुएशन को हैंडल कर पाया जाएगा और कब तक ये डाउन हो पाएगी, कुछ एस्टिमेट है? जहाँ तक खबर आ रही है मीडिया के द्वारा ही, कई जगह पर प्याज के दाम कम भी होने लगे हैं। कम जितना कम होना है उतना नहीं, मगर जहाँ तक पहुँचा उधर से कम हो रहा है। वी हैड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग विच इज़ रिव्यूइंग ऑन ऑलमोस्ट एवरी वन और टू डेज गैप बेसिस एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ टू फर्दर टेक अप द इम्पोर्ट रिलेटेड इश्यूज। जैसे आप कह रहे हैं सही, दैट यस इम्पोर्ट हो रही है। By the time I also think gradually, the crop started coming in. इसमें हम एक विषय भूलना नहीं चाहिए कि जल्दी पेरिशेबल कमोडिटी जैसे अनियन, और जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहने में और जल्दी भी वो सड़ जाता है, इस बार because of the rain and excessive in some places and flooding in some other places, crop extent ही कम हुआ, therefore output भी कम हुआ, उसके कारण it has gone out of a certain reasonable level. So सरकार के द्वारा हर कदम उठाया जा रहे हैं कि import करें, market को जल्द से जल्द उसको पहुँचाएं। मेरा सवाल था कि कल ही खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, कहा जा रहा है कि 2020 में रिटेल इन्फ्लेशन और ज़्यादा लोगों को परेशान कर सकता है, और इसके चलते ये भी संभावना है कि ब्याज दर जो है घट रही थी, अब तक जो ट्रेंड था उसमें बढ़ोतरी देखा जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहूँ बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ इफ इन योर क्वेश्चन, बढ़ रहा है, व्हाट विल हैपन, आई मे नॉट बी एबल टू एंगेज इन स्पेकुलेशंस। इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, आई डोंट नो, आई कांट से इट। सो फ्यूचर में इंक्रीज होगा, इसके लिए कुछ जवाब मैं कैसे दूँ? आई डोंट थिंक आई विल एंगेज इन स्पेकुलेशंस अबाउट इंटरेस्ट रेट और अबाउट इन्फ्लेशन।